ये चेहरा ये इंसान हो या परी हो दोनों कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुझे बनाने वाला और ये चालू होता है कि हो अब देखिए पहले गीत में कोशिश कर रहा हूँ आदरणीय राम कलाम भैया समिति के जितने भी पदाधिकारी श्रोता हूँ आप सभी से कि पिताजी का गुणगान रोशनी जी की ओर से हुआ है वो अपनी ओर से प्रथम प्रस्तुति कर रहा हूँ जिसमें पिताजी के साथ में माता जी को भी शामिल कर रहा हूँ समझिए मैटर क्योंकि एक दूसरे के पूरक है एक को शामिल करो दूसरे को छोड़ दो ये उचित नहीं है ना सुने महादेव आगे क्यों तो हमारी माँ क्या है महादेव प्रिया महादेव देवों के देव महादेव है महादेव प्रिया महादेव एक विचार करिएगा कि महादेव का सुखद समय था हो महादेवी का दुखद समय था वो पावन नवरात्र जब 9 दिन नवरात्र हुई थी
तो महादेवी का दुखद समय था वो पावन नवरा। लेकिन महादेव का सुखद समय था कि महादेव का सुखद समय था मन भावन शिवरा। वो दुखद समय था जब नौ दिन नौ रात रोई, उन्हीं के असुर जल से साथ सब जीव की उत्पत्ति हुई है। भोले बाबा के लिए सुखद समय रहा है जिसे हम आप महाशिवरात्रि कहते हैं। अब सुने आगे, सुने मेरा प्रयास है कि माता रानी और भोले बाबा एक दूसरे के पूरक है, लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हुए भी इनमें कुछ विषमताएं हैं। शिव अजर अमर तो मां मरती जन्म की, यानी भावन भोले बाबा अजर अमर है, लेकिन माता रानी कभी सती तो कभी पार्वती बन के आती है। सुनिए, शिव अजर अमर तो मां मरती जन्म की, शिव भ्रमित ना हुए मां सदा भरमती। शिव हस मुस्ताई बस भगवत रमाए बैठे भोले बाबा, शिव हस मुस्ताई मां रूप वंदी, और शिव शक्ति अपार अपार। वरदानी औधरदानी करती बचत है भवानी, और शिव तो सदा मनाते पर शिवा करे मन। भोले बाबा ने कई जगहों पर प्रमाण मिलता है कि माता रानी को समझाया है कि अपने मनता कर गए। अभी एक बात और सुने कि गौर वर्ण के शिव शंकर दो शिव का जिसमें विश्वास रमा, यानी प्रभु राम शिव का जिसमें विश्वास रमा,
सती माता माँ उनपे शंका करती कि पता नहीं ये पनपन भटक रहे हैं ये कौन है। सीता का रूप धारण कर उन्होंने परीक्षा ली और जब परीक्षा ली तो शिव संकल्प की मनवाही हितन सती खेत बनाई। शिव का जिस पे विश्वास रमा पावन पे शंका कर शिव मना के हार गए हैं पर सती है मन का कर परीक्षा लेती है। अब एक बात और देखे किसी वतन को सरपों से सजाए किसी वतन को सरपों से सजाए उम्मा स्वयं निज तन साजे छेबरा अभी तक विषम थी लेकिन अब सम होने जा रहा है। ये है समझो। अब ये एक दूसरे के पूरक है तो है कैसे सुने शिव दीपक है तो शिव जातक है तो सीमा है स्वामी और बिना शक्ति के बिना माता के भोले बाबा है कैसे। शिव सवतन है तो सीमा प्राण विशेषता देखिए कि जब अर्ध नारे स्वरूप धारण किया तो उस अर्ध नारे स्वरूप में दिखा कर शिव सवतन है तो सीमा प्राण। लेकिन उससे पहले जब बजरंग बली बाबा के रूप में अवतरित हुए भोले बाबा के आगे रुद्र से तो माता पार्वती उनकी पूछ बनकर आ गई और जब पूछ बनकर आ गई तो कहना पड़ा बजरंग बली बाबा का रूप देखा तो मिला क्या दिखे एक जिस्म पर तो है जान क्योंकि माता पार्वती पूछ बनी है तो सीमा प्राण दिखे एक जिस्म पर तो है जान माता रानी कन्हैया बन गई लेकिन सुने बात ला रहा हूं अच्छी लगेगी कि एक जिस्म दो जान और जब अर्ध नारे स्वरूप देखा तो मिला गया क्या कि एक दूसरे के पूरक जैसे अगन पवन है बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती इसलिए कह रहा हूं कि एक दूसरे के पूरक जैसे अगन पवन है
से प्रथम गीत ये। आइए आपकी ओर से बड़ा सुंदर सा गीत आया है, क्योंकि पहला चक्र है इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, पर दूसरी बार आपको माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल दूसरी बार बजना ला तो झलकारी भाई। और क्या बड़ी सुंदर की तरह आई है। कौन सी? और कहा फिल्म दुनिया वालों ने क्या क्या कहा बेटा? अजय देवगन। अरे ओ हो ये आंखें कहा मिली दुनिया वालों ने? हाँ क्या कहा बेटे? लगता है कल रात को बब्बन मियां ने अपनी आंखों में सूरमा नहीं लगाया। ये चश्मा तो फिल्म दुनिया वालों ने कहा है क्योंकि समय की पाबंदी लगाई गई है 35 मिनट में समय देना है। बिल्कुल तो फिल्म दुनिया वालों ने एक बात कही, अरे कितना हसीन Yeah.
इतना नहीं ना बेटा, उधर तुम्हारा भाई बजा रहा कहना। अरे जगत आत्मा शिव जी, जगत आत्मा शिव जी, पर एक विशेषता कह रही है जगत आत्मा शिव जी और शिव की आत्मा शक्ति। शाबाश शाबाश। जगत की आत्मा शिव जी और शिव की आत्मा माता शक्ति, क्योंकि अगर शिव से ही की माता को अलग कर दिया जाए तो वो शिव भी सौ के समान है। शाबाश कहना। जगत आत्मा शिव जी और शिव की आत्मा शक्ति, तो महाप्रलय जब किया है शिव ने, अरे महाप्रलय जब किया है शिव ने, उस दिन भी लिख दीजिए आप, तो महाप्रलय जब किया है शिव ने, वो दिल था शिवरा। और जहां तक मैंने कहा है कि बाराही शिवरात मिली, बाराही शिवरात मिली और बाराही नवरात, वो भी अलग अलग महीनों में। क्या बात थोड़ा, ये बाराही शिवरात मिली और बाराही नवरात। क्योंकि आप विद्वान कलाकार हैं, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनिएगा और क्या मिला है। क्या बड़े, आपने कहा कि भोलेनाथ को एक बार माता ने सर्पों से सजाया है, मगर मैं कह रही हूँ कि भोलेनाथ को माता ने एक बार और देखिए कैसे सजाया है। लिखिए देखिए करके दूध से लाल हुआ। शाबाश, ये बात, यानी पसीने की एक बूंद से एक लाल का प्रादुर्भाव हो गया। तो कहना, और जब पसीने की एक बूंद से वो लाल जन्मा, लिखिए उसका नाम क्या है, वो है क्या मंगल, वो नाम है पाया मंगल, नाम से वो पुत्र जाना गया, तो मंगल है नाम वो पाया, जग में पूजित हर साया, और शिव ने ही
वो जब भोलेनाथ से लड़ने गया तो कहना पड़ा